नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां कोरोना महामारी के बीच भी अपने संस्था से जुड़े पशुपालक किसानों और उपभोक्ताओं के बीच बेहतर सामंजस्य बनाकर दही और दूध के अपने रिकॉर्ड बिक्री से उत्साहित होकर समस्तीपुर सुधा डेयरी ने शनिवार 16 जनवरी 2021 को दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता का आयोजन कर मात्र 2 मिनट के भीतर करीब 3.5 किलोग्राम दही खाने वाले प्रतिभागी को पुरस्कृत किया। इस प्रतियोगिता में मिथिला डेयरी से जुड़े सभी पशुपालक कर्मी और डीलर को बुलाया गया था। इस अवसर पर सुधा डेयरी के प्रबंध निदेशक डी के श्रीवास्तव ने बताया कि विगत साल में कोरोना महामारी के बीच भी उनके डेयरी से जुड़े समस्तीपुर दरभंगा और मधुबनी जिलों के पशुपालक किसानों और कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर भी उपभोक्ता को दूध दही और दूसरे उत्पाद की कमी नहीं होने दी। यह उनके लिए काफी उत्साह की बात है। कोरोना त्रासदी के बावजूद संस्थान की इस उपलब्धि में मिथिला डेयरी को दूध आपूर्ति करने वाले सभी पशुपालक किसान कर्मी और सुधा के डीलरों की अहम भूमिका रही है, इसलिए इस कीर्तिमान का जश्न भी हम लोग साथ मिलकर ही मना रहे हैं। एमडी ने यह भी बताया कि समस्तीपुर दरभंगा और मधुबनी के उपभोक्ताओं के जरूरत के मुताबिक हम उत्पादन में लगातार वृद्धि कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समस्तीपुर मिथिला दुग्ध उत्पादक संघ अपने उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने में भी हमेशा तत्पर रहा है। इस अवसर पर समस्तीपुर के डीएम शशांक शुभंकर ने कहा कि यह आयोजन बहुत ही शानदार है। इस आयोजन में समिति के सभी सदस्य और पशुपालक भी आते हैं। इस तरह का आयोजन कर समिति के सदस्य और कर्मी मिलकर भविष्य की रूपरेखा भी तैयार करते हैं। वैसे देखा जाए तो यह आयोजन मिथिलांचल वासियों के लिए गर्व की बात है। जिलाधिकारी की उपस्थिति से मिथिला डेयरी के कर्मचारियों के साथ ही पशुपालक किसानों में भी हर्ष का माहौल देखा गया। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता में 3.5 किलो दही खाए। किसके किसके तरफ से हुआ था आयोजन? आयोजन मिथिला दूध उत्पादन से। सीताराम सिंह कहाँ से आए? महिषी। पहले भी खाते रहे दही वगैरह? हाँ खाते रहे। आप किसान भी जुड़े हुए हैं इससे, संघ से? हाँ संघ से जुड़े हुए हैं। तो कितना दही खाने का रिकॉर्ड रहा आपका अभी तक? अभी 3.5 किलो। इससे पहले भी कभी जीते हैं? हाँ जीते हैं। कितना खाए थे पहले? इतना ही। इतना ही 350 किलो का रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड। कितना टाइम में खाए हैं? 2 मिनट में। क्या नाम है आपका? सीताराम सिंह। घर कहाँ है? महिषी। संक्रांति के अवसर पे, लेकिन साथ साथ इसमें दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता, रस्सा कस्सी और म्यूजिकल चेयर, लेकिन सबसे एक महत्वपूर्ण जो मिथिलांचल का एक जो यहाँ की संस्कृति है उसमें दही का बहुत महत्व है। तो दही खाओ और इनाम पाओ अपने आप में एक ऐसा स्लोगन है जिससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं, यहाँ पे आते हैं। हमारे संघ के कर्मी रहते हैं, गाँव से पशुपालक आते हैं और वो लोग एक दिए हुए समय में, जो इस बार हम लोगों ने 120 सेकंड दिया है, उसमें आपने देखा ही है अभी कि करीबन हमें लग रहा है कि 3 किलो के 3.5 किलो के आसपास एक प्रतिभागी ने खाया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 2 मिनट में 3.5 किलो खाना 120 सेकंड में बहुत ही अलग अपना एक आयाम स्थापित करता है। तो मैं इस कार्यक्रम में के माध्यम से एक आपस में जो सहकारिता का एक सही मतलब है, जो धरातल पे होना चाहिए, जो हमारे लोगों के बीच में होना चाहिए, उसका एक ये सूचक है, एक प्रमाणिक करता है कि हम लोगों में कितनी एकजुटता है। और इस प्रतियोगिता का आज के दिन का लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ये हमारे लिए और हमारे मिथिला दुग्ध संघ के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है कि इससे हमारे पशुपालक भी जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने अभी देखा, आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे संघ में इस जिले के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर साहब भी आए अपने व्यस्त। अच्छा आयोजन है और इसमें समिति के सभी सदस्य और पशुपालक भी आते हैं और ये लोग आगे का फ्यूचर प्लानिंग भी करते हैं, कैसे सदस्यों को और पशुपालकों को और लाभान्वित किया जा सके। अच्छा कार्यक्रम है, इससे लोगों में भी काफ़ी हर्ष होता है
और फ्यूचर प्लानिंग में भी समिति के सदस्यों को और पशुपालकों को मदद मिलती है। ये गर्व के मिथिलांचल का गर्व कहा जाता है ये बिल्कुल, और काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं। साथ ही दुग्ध संघ के द्वारा जो पशुपालकों से नियमित दूध का प्रोक्योरमेंट किया जाता है और उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, तो इससे उनको फाइनेंशियली भी काफ़ी लाभ पहुँचता है।